इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के नागौद पुलिस के एएसआई और हेड कांस्टेबल पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई हेमराज और हेड कांस्टेबल अजीत एक महिला को बचबई गांव से पकड़ कर ले आए थे। महिला का ससुर गांजे का नशा करता है। अपनी बीट से बाहर निकल कर गांजा पकड़ने गए एएसआई हेमराज और हेड कांस्टेबल अजीत के ऊपर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि महिला से 1.5 लाख रुपये की डिमांड शुरू की गई, फिर 50,000 रुपये पर आए, फिर बाद में दोनों पुलिसकर्मियों ने 22,000 रुपये देने के लिए महिला को मजबूर कर दिया। महिला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहाँ से आपको पुलिस पकड़ के लाई थी और क्यों पकड़ के लाई थी? घर से ले आई थी। हाँ। और बब्बा थोड़ा बहुत पीते उते पीने उने के लिए रखे थे, तो बब्बा को ना लाके मुझे लाई। अब बोल रहे थे 1.5 लाख दो, 1.5 लाख नहीं तो 50,000 तुम बुलाओ और नहीं तो जेल जाओगे कल 3 महीने के लिए। तो मैं बोली कि भैया पैसा तो नहीं है, मेरे हस्बैंड है नहीं, बाहर है। और कह रहे थे कि बुलाओ जो हो तुम्हारे कोई, और हेमराज सर और अजीत सर 25,000 पैसा लिए हैं। अच्छा। और बोल रहे थे कि जुर्माना होगा। गांजा कितना रहा होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम गांजा का। तो किसके ऊपर मुकदमा बनाए? मुकदमा किसी मेरे ऊपर तो बना है, मुझे बना रहे थे कि मुरलीम तुम हो। बाबा पीने के लिए रखे थे और कुछ नहीं पाए घर के अंदर। हाँ, वही जेबा में लिए थे घर तो में। कितना? 24,000 लिए, 22,000 लिए? 22,000 लिए। अच्छा, क्या नाम लिखती हो आप? मैं रानी। कहाँ के रहने वाले? मैं हरदुआ मझुआ। ठीक।